सो वी आर हेयर वंस अगेन एट रॉयल आईएएस एकेडमी विद पीआईबी न्यूज। 24 अक्टूबर को यूपीपीसीएस का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद बीपीएससी है, उसके बाद एमपीएससी है, उसके बाद यूपीएससी तो होना ही होना है। इन सब में काम आने वाला है, क्योंकि अपने पास जो करेंट अफेयर का सोर्स है वो इंडिया का सबसे ऑथेंटिक है, नाम है पीआईबी। अब तक जो आर्टिकल कर चुके हैं उसके आगे का आर्टिकल है कि नेशनल बेसलाइन जियो साइंस डाटा जनरेशन प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नेशनल बेसलाइन जियो साइंस डाटा जनरेशन 2020-24, इसका डेट रखा गया है। नाम से ही काफी कुछ चीजें क्लियर है, डाटा जनरेट करने की बात की गई है नेशनल लेवल पर जियो साइंस में। मकसद क्या है, टू एक्सपेडाइट एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज इन द कंट्री, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई, ये कब बना था ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसका कि जीएसआई, बीएसआई, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एफएसआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो 2024 तक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम आया है, नाम है उसका एनजीसीएम, नेशनल जियोमेकल जियोकेमिकल मैपिंग, नेशनल जियो फिजिकल मैपिंग, नेशनल एरो जियो फिजिकल मैपिंग, ये सारे प्रोग्राम जीएसआई रन कर रही है। 2024 तक का टारगेट रखा गया है डाटा जनरेट करने का। सो जियो साइंस डाटा, या कंप्लीट कहें तो नेशनल बेसलाइन जियो साइंस डाटा जनरेशन प्रोग्राम जीएसआई का एक प्रोग्राम है, टारगेट है सर्वे करके डाटा जनरेट करना, फिजिकली, फिजिकल, केमिकल, हर तरीके से, हर तरीके के डाटा को, मिनरल एक्सप्लोरेशन को बूस्ट किया जा सके, ताकि मेन मकसद है मिनरल एक्सप्लोरेशन को बूस्ट करना। आप देख सकते हैं एबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी बेसलाइन डाटा टू बूस्ट मिनरल एक्सप्लोरेशन, जीएसआई का काम ही यही है, जगह बताना कहां से क्या मिल सकता है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का काफी कुछ चल रहा है, भारतमाला प्रोजेक्ट वगैरह, ये आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो रिवाइज कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, ये भारत पर्व भी काफी कुछ चल रहा है, जोर शोर से मनाया गया था इस बार, प्रसार भारती भी इसमें शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट डेट में, 24th of January का उत्तर प्रदेश को स्टेटहुड पे ग्रीट किया था प्रधानमंत्री ने। और अगर आप यूपीपीसीएस देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश बना कब था ये तो मालूम होना ही चाहिए, 24 जनवरी के दिन ही एस्टेब्लिश किया गया था इसे, इस स्टेट को स्टेट का दर्जा मिला था 24 जनवरी, स्टेटहुड मनाता है यूपी अपना, गर्ल्स चाइल्ड डे भी मनाते हैं हम लोग इसी दिन। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, फर्स्ट एवर हाइब्रिड IFFI क्लोजेज ऑनरिंग द क्रीमी डी ला क्रीमी ऑफ वर्ल्ड सिनेमा, फर्स्ट एवर हाइब्रिड IFFI, ये फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड चीजें हैं, कुछ डाटा दिए गए हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, आप चाहें तो इन्हें याद कर सकते हैं, मे भी पूछे मे भी नहीं भी पूछे। एपिक वर्ल्ड वॉर टू फिल्म इनटू द डार्कनेस विच पोर्ट्रेज द स्टोरी ऑफ ए डेनिश इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री ओनर हु इज फोर्स्ड टू प्रोड्यूस फॉर द ऑक्युपाइंग नाजी फोर्सेस हैज वन द कोवेटेड गोल्डन पिकॉक अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसे मिला है, इनटू द डार्कनेस को मिला है, 51st एडिशन ऑफ IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जनरली गोवा में मनाया जाता है ये, पिकॉक अवार्ड है ये, 40 लाख का अवार्ड होता है, 4 मिलियन का गोल्डन पिकॉक अवार्ड। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, 32 चिल्ड्रेन को इस बार प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया है। 23 जनवरी के न्यूज की तरफ चलते हैं, 23 जनवरी में ऐसा क्या हुआ था, प्रधान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनवेल्स ए पोर्ट्रेट ऑफ नेताजी बोस टू मार्क द बिगनिंग ऑफ ए ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन, 125th बर्थ एनिवर्सरी मनाया जा रहा है 2021 से, शुरुआत की है प्रधानमंत्री ने नहीं प्रेसिडेंट ने, जनरली प्रधानमंत्री इन सब में आगे रहते हैं, जरूर कहीं ना कहीं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे होंगे वो इस दिन, ये आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट महोदय नेताजी का एक पोर्ट्रेट अनवील्ड कर रहे हैं, डेट है 23 जनवरी, मौका है 125वां बर्थडे सुभाष चंद्र बोस का, एवर ग्रीन टॉपिक है क्योंकि ये लापता हो गए थे, आज तक कुछ सही सही इंफॉर्मेशन नहीं है इनके लास्ट डेज का,
बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इंग्लिश रेंडरिंग ऑफ पीएम एड्रेस एट पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। पराक्रम दिवस बर्थ उनके बर्थडे को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेताजी के बर्थडे को। क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, आगे भी आता रहेगा। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आज नेताजी बोस छाए हुए हैं 23 जनवरी के दिन। IAAF एंड FASF कंक्लूड एक्स डेजर्ट नाइट 2021। ये एक्स डेजर्ट नाइट क्या है ये देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स ने जोधपुर में एक ऑपरेशन चलाया था, एक प्रैक्टिस की थी ज्वाइंट में, नाम है उसका एक्स डेजर्ट नाइट, राजस्थान के जोधपुर में। उसमें राफेल भी आया था, सुकोई भी यूज हुआ था, मिराज भी यूज हुआ था, ये सब के सब प्रैक्टिस में लगे हुए थे। ये पहला एक्स डेजर्ट नाइट प्रोग्राम था, याद रखें। और ये राजस्थान का जो ACF का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था GS में। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। होम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है आयुष्मान कैफ। जनरली आयुष्मान से लगता है कि ये हेल्थ मिनिस्ट्री का होना चाहिए, लेकिन चूंकि बात है सेंट्रल फोर्सेस की, तो उसके लिए जो आयुष्मान कैफ है ये होम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। कहां? गुवाहाटी में, याद रहे, गुवाहाटी में आयुष्मान कैफ लॉन्च किया गया है। CAPF जिसे सेकंड कमांडेंट लगते हैं लोग, असिस्टेंट कमांडेंट लगते हैं ये पेपर क्लियर करने के बाद, लोग डिप्टी SP के इक्विवेलेंट होता है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट आया है, जैसे CSIR और कमेरी CMEIR इसने एक्वा रिजुवेनेशन प्लांट अनवेल किया है। ये क्या है थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। एक्वा रिजुवेनेशन प्लांट जो फैसिलिटेट करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का मॉडल होता है, ट्रीटेड वेस्ट वाटर, मतलब हर एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करके ऑर्गेनिक फार्मिंग करना एक्वा रिजुवेनेशन प्लांट का पार्ट है, हिस्सा है। शुरू किसने किया है? CSIR ने और सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जो CSIR का एक ब्रांच है, दुर्गापुर में है ये, और फर्स्ट एवर है कंट्री का, इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट के ख्याल से, फर्स्ट एवर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी CSIR CMERI का, CMERI दुर्गापुर में CSIR का एक ब्रांच है, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है, जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए काम करता है। तो उसने ये प्रोग्राम, उसने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, नाम है इसका एक्वा रिजुवेनेशन प्लांट। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। न्यू एंट स्पीसीज डिस्कवर्ड फ्रॉम केरला, नेम्ड आफ्टर जेन कासर रिसर्चर, रिवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट फ्रॉम प्रोफेसर अमिताभ जोशी। अब नए स्पीसी चाहे कुछ भी डिस्कवर किया जाए इंपॉर्टेंट है, खास करके मेढक तो हमारे यहाँ खूब होते हैं, हर साल डिस्कवर किए जाते हैं, कभी नॉर्थ ईस्ट से कभी साउथ से। इस बार एक चीटी डिस्कवर किया गया है जिसका नाम है ओसेरिया। ये ओसेरिया चीटी की एक प्रजाति है जो केरला तमिलनाडु में पाई जाती है, और इसी बार इसे डिस्कवर किया गया। इससे पहले इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, ये बाकी से सब कुछ में डिफरेंट है। एक इनमें से एक पाया गया है पेरियार टाइगर रिजर्व में। आप सोचिए चीटी तक पता चल जाता है कि ये केवल अकेले ही है ना। नाम है इसका ओसेरिया और लास्ट में जोड़ दिया गया है जोशी, प्रोफेसर अमिताभ जोशी, जो एक डिस्टिंक्ट एनवायरमेंटलिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, जवाहरलाल नेहरू सेंटर के जस्कर के, जो कि केरला में है, DST के अंदर काम करता है ये। इनके नाम पे इस चीटी का नाम रख दिया गया है ओसेरिया, नाम याद रहेगा आपको, मुझे पूरा भरोसा है, नाम ही ऐसा है, ओसेरिया जोशी। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। फिश टैब एंड SNTA एडवाइजरी बोर्ड मीटिंग हाईलाइट्स नीड्स ऑफ फोकसिंग ऑन सपोर्टिंग इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम एंड ट्रांजिशनल रिसर्च, ट्रांसलेशनल रिसर्च। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक नया तरीका अपनाया है, जो वहां पे मैल प्रैक्टिसेस हैं डिपार्टमेंट के अंदर, जिसके कारण चीजें अप टू मार्क नहीं हो रही है, उसे दूर करने के लिए फिश टैब और ST ने मीटिंग किया है और फोकस कर रहे हैं ये ऐसे सारे प्रॉब्लम पर जो इंटर डिपार्टमेंटल इंटर डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स हैं। इस अवसर पर निकिता मल्होत्रा हैं फिस्ट की, FIST की,
फिश टैब है क्या, फंड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ एसएनटी एडवाइजरी बोर्ड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकता है कि फिश टैब किसके अंदर काम करता है, तो वही ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। डिपार्टमेंट तो जितने हो, एक ना एक डिपार्टमेंट हर बार पूछा जाता है, तो हम पीछे ना रह जाएं उसमें। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। चिंतन बैठक मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज कच्छ में हुआ था। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक प्रोग्राम है, देखो अपना देश, ऑब्वियस ही बात है इन्हीं का होगा। साई काफी न्यूज में रहता है, साई को भी ध्यान रखें कि ये कब आया था। बढ़ते हैं 22 जनवरी की तरफ। वाइस प्रेसिडेंट भी काफी एक्टिव रहते हैं, उनके इनॉग्रेशन वगैरह का ध्यान रखें, कब क्या कर रहे हैं वो, क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं उनसे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और नेक्स्ट आर्टिकल में है कि अप्रूवल अकॉर्डेड अंडर पीएलआई स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल्स ड्रग इंटरमीडिएट एंड एपीआई। एपीआई काफी नाम मेरा है, क्या होता है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यही तो वो है जिससे ड्रग्स बनते हैं। और इंडिया के साथ ट्रेजडी है कि एपीआई हमारे पास खूब है, ड्रग मैन्युफैक्चरर कहलाता है, ड्रग हब है हम वर्ल्ड के, एक्चुअली हम ड्रग हब हैं, लेकिन एपीआई हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है और दिक्कत यही आती है। एक नजर डालते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग कंपनीज विच हैव कमिटेड मोर देन द मिनिमम प्रपोज्ड एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटीज एंड फुलफिल द प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया हैज बीन अप्रूव्ड अंडर प्रोडक्शन लिंकेड इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल्स ड्रग इंटरमीडिएट एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इन द कंट्री। ये कंपनी के नाम है, इन सबको ये ऑथोरिटी दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि एपीआई होता क्या है, कहां से किस कंट्री से हम क्या एपीआई में खरीद कर लाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कर्डमन और एक और स्पीसीज है उससे लेकर के, और देखिए यहाँ न्यूज में भी है, बहुत बार ये न्यूज में रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी क्वेश्चन उठा लिया जाता है, पीआईवी में जो आया है वही इंपॉर्टेंट है, यहीं से सारे उठते हैं क्वेश्चन, हर एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉमन सेंस आपका काम करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। एयर क्वालिटी कमीशन जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर काम करती है, इसे हम CAQM भी कहते हैं, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट भी कहते हैं, इसने एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। एयर क्लीनिंग काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पूछा भी गया था नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम कब आया है, 2019 में लॉन्च किया गया था नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम। सफर वगैरह आपको मालूम होना चाहिए, सफर क्या है, कितनी चीजें एयर को पॉल्यूट करती हैं, PM2, PM2.5, 10, लेड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। UPPCS बहुत चालाक है, उसने क्वेश्चन पूछ दिया था कि ग्रीन हाउस गैस नेचुरली कौन नहीं है, ऑप्शन में था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है वो, तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। पोटास हार्नेस करने के लिए राजस्थान में एग्रीमेंट हुआ है MECL, RSSML और DMG के बीच में, ये तीनों के तीनों कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है और माइनिंग से रिलेटेड है। माइनॉरिटी अफेयर हुनर हाट चलाता है, आप सबको पता होगा, ये इस बार लखनऊ में था तो इम्पोर्टेंट है, थीम है इसका वोकल फॉर लोकल, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट UPPCS के लिए कोई न्यूज नहीं हो सकता है करेंट अफेयर में, माइंड इट। हुनर हाट अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में चलाया गया 22 जनवरी से 4 फरवरी तक, थीम था वोकल फॉर लोकल। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने इनॉग्रेट किया था और यही मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है। अवध शिल्प ग्राम एक जगह है लखनऊ में और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने इनॉग्रेट किया था, यूपी के CM भी साथ में थे। बात है 23 जनवरी की, क्या हुआ 23 जनवरी को, हुनर हाट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर का एक प्रोग्राम है, लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में मनाया गया था इस बार, थीम था वोकल फॉर लोकल। इससे इंपॉर्टेंट UPPCS के लिए आर्टिकल ढूंढने पर नहीं मिलेगा, मार्क्स माय वर्ड। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल सर्च करने में नो डाउट थोड़ा सा टाइम बीच में चला जाता है, उम्मीद है आप माइंड नहीं करेंगे क्योंकि हर आर्टिकल अपने काम का नहीं है,
लेकिन कुछ आर्टिकल बहुत ज्यादा काम का है। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर वर्चुअली लॉन्च श्रम शक्ति डिजिटल डाटा सॉल्यूशन फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। श्रम शक्ति किन के लिए लॉन्च किया गया है? माइग्रेंट वर्कर के लिए। याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने काफी डांट फटकार किया था गवर्नमेंट को कि माइग्रेंट वर्कर को आप कैसे कुछ देंगे जब आपके पास डाटा ही नहीं है कि हैं कितने माइग्रेंट वर्कर। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल ने नहीं। याद रहे, यहाँ पे फंसेंगे आप कहाँ? आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल। तो श्रम शक्ति मजदूरों के लिए जरूर है, लेकिन लेबर मिनिस्ट्री ने नहीं किया है भाई, ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने। लेबर मिनिस्ट्री तो तब सो रहा था, तो अर्जुन मुंडा को लगा होगा चलो हम कर देते हैं। तो श्रम शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का है, ना कि लेबर का है। और ये लॉन्च किया गया है पंजिम गोवा से, याद रहे। बाद में मार के आ जाना लेबर और बोलना अरे ये तो भूल गया था, ऐसी गलती ना हो। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, नाम कुछ और, प्रोग्राम कुछ और, मिनिस्ट्री कोई और। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, 21 जनवरी की तरफ। वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि लेबर को आप स्किल करो तभी तो जापान जाएंगे। जापान क्यों जाएंगे? याद करो, अभी पिछले महीने, इनफैक्ट इसी महीने, पिछले महीने और इस महीने मिला करके एक एमयू साइन किया गया है जापान के साथ कि हम यहाँ से वर्कर भेजेंगे जापान में काम करने के लिए। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ आरएफसीएल प्रोजेक्ट। ये आरएफसीएल प्रोजेक्ट क्या है एक नजर डालते हैं। आरएफसीएल है रामा गुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, ये यूरिया प्लांट है। नाम से समझ में आ गया होगा कहाँ हो सकता है, रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। लखनऊ में तो होगा नहीं, पटना में भी नहीं होगा, नाम से लग रहा है साउथ इंडिया का ये प्रोग्रेस, साउथ इंडिया का ये फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट है। और तेलंगाना जो न्यूली मेड स्टेट है जिसकी राजधानी हैदराबाद है, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट है यूरिया प्रोडक्शन का। यूरिया से यूरिया कोटेड नीम याद आना चाहिए, और डीएपी से न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। नया प्लांट आ रहा है नामरूप में यूरिया फर्टिलाइजर का, तो यूरिया फर्टिलाइजर से रिलेटेड प्रोजेक्ट डाल देगा, फैक्ट्री डाल देगा और एक तरफ जगह डाल देगा। तो ये चीजें आपको याद हो, दो तीन जो है मेन वो आपको याद हो कि ये कहाँ कहाँ है। नामरूप कहाँ पड़ता है? नामरूप कामरूप आसाम में पड़ता है मेरे ख्याल से, और अगर नहीं पड़ता है तो ढूंढ लो, लेकिन आसाम में ही पड़ता है। देखो नीचे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ आसाम, नामरूप कामरूप सब आसाम में है। तो दो तो क्लियर हो गया, आरएफसीएल रामागुंडम कहाँ है? तेलंगाना में। नामरूप कहाँ है? आसाम में। यूरिया फर्टिलाइजर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हाई तौबा मचा रहता है यूरिया को लेकर के हमेशा। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, ट्राई रिलीजेज इंडिया टेलीकॉम सर्विस परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट फॉर द क्वार्टर एंडिंग जुलाई सेप्टेम्बर 2020। हर चार महीने में ट्राई एक रिपोर्ट रिलीज करता है, नाम है उसका टेलीकॉम सर्विसेज परफॉर्मेंस, कौन कंपनी कितना अच्छा कर रही है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, ट्रेनिंग फॉर ज्वाइंट ऑपरेशन एंड एडवांस एक्सरसाइज कवच, इंपॉर्टेंट है भाई एक्सरसाइज कवच। ये एक्सरसाइज कवच क्या था? एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज कवच, जिसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ये सब के सब मिलके प्रैक्टिस कर रहे थे। कहां? अंडमान और निकोबार आइलैंड में। एक्सरसाइज कवच, ज्वाइंट एक्सरसाइज है ये, इंडिया के तीनों सेना का प्लस आईसीजी का, इंडियन कोस्ट गार्ड का एक्सरसाइज कवच अंडमान सी में। जितेंद्र सिंह का मन आ गया है, जितेंद्र सिंह कौन है? ये यूनियन मिनिस्टर है। अब इनका प्रोफाइल अभी अक्टूबर में चेंज नजर आएगा, जनवरी में ये जितेंद्र सिंह फिल्म सिटी लॉन्च कर रहे थे सिक्किम में, इनका कहना था मुंबई बनाना है इनको सिक्किम को। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मुंबई के बाद किसकी बारी है? अब सिक्किम की बारी है, वैसे सिक्किम है उस लायक जगह, कोई डाउट नहीं है इसमें। ये एजुकेशन पॉलिसी बार बार दिख रहा है, तो चलो एक आर्टिकल बता ही देता हूं कि कर्नाटका पहला स्टेट है एनईजीपी को लॉन्च करने वाला। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, हर्षवर्धन ने इनॉग्रेट किया है मैस क्रेडी 2021 का, फिक्की ऑर्गेनाइज करता है। फिक्की जो कि एक चैम्बर है धनी लोगों का, बिजनेसमैन लोगों का, जो गवर्नमेंट को भी अपने उस पे झुका के रखती है बिल्कुल,
घुटने पे लाके रखती है गवर्नमेंट को। आजादी के पहले का बना हुआ है ये फिक्की, और एक और है चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह। हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है फैमिली वेलफेयर के लिए 7th एडिशन ऑफ मैस्केराडे 2021 मूवमेंट अगेंस्ट स्मगल्ड एंड काउंटरफिट ट्रेड ऑर्गेनाइज्ड बाय फिक्की। इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक व्यू से मूवमेंट अगेंस्ट स्मगल्ड एंड काउंटरफिट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कौन ऑर्गेनाइज करता है? फिक्की। फिक्की कब बना था याद हो? ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 जिसे अमेंड किया गया था 2008 में, ये मॉनिटर करता है इन चीजों को, इलीगल काउंटरफिट को। इस सेशन को यही